इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर आने दें, फिर फुल फ्लेज तेजी करें वापस से. भले ही जनवरी 2021 के चार्ट वापस से दिख रहे हो, सब हो, सब अपनी जगह, डिसिप्लिन अपनी जगह. सिग्नल आना चाहिए खरीदने का, जो है नहीं अभी तक. सिग्नल क्या है? शॉर्ट कवरिंग का और हल्की फुल्की इंट्राडे खरीदारी का. बिल्कुल. कौन सी गारंटी है कि 77 पॉइंट जो ये डाउ आपको ऊपर दिख रहा है, ये 77 का 750 ऊपर नहीं हो सकता? और कौन सी बड़ी बात है कि 750 नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है. जिस तरह से मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है अमेरिका के, कूद जाए तो कूद जाए 500-700, 6 दिन गिरे, और जिस तरह से इतना खराब है चार्ट पे, और गिर जाए तो और गिर जाए, और गिर जाए, हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि जो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है वही होना है अमेरिका में, आजकल वैसा हो भी नहीं रहा. सो ओवरनाइट रिस्क आप तभी रखें जब आपकी बहुत ताकत है, पहली चीज. दूसरा, अगर करें तो ऑप्शंस के जरिए करें. और तीसरा, अगर करना ही है, मतलब कि भाई नहीं मैं किए बगैर नहीं मानूंगा, तो फिर 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लें और 37,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीद कर जाए, अगर आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है भाई कि ट्रेड ना लेके जाए तो रात को नींद भी नहीं आती. करेक्ट. ये ना, तो दोस्तों से बात क्या करें, है ना. तो इसलिए फिर अगर आपकी भी वैसी है मनोदशा, मानसिकता, डेटा दिख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पहली बात ये, आखिरी सपोर्ट जो है वो 17,000 पर है, 57,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में. लेकिन दिक्कत कुछ और है. और जो शुक्रवार को आशीष कह रहे थे लॉन्ग ट्रैप, लॉन्ग ट्रैप, फ्रेंकली शुक्रवार को डेटा में नहीं था जी उतना ज्यादा. आज डेटा में भरपूर बना है, जैसा आशीष देखना चाहते हैं वैसा बना है. कैसे मैं बताऊं जी, जब आप 17,300 के नीचे ट्रेड करें तो 200,000 कॉल पुट राइटर रिस्क पर है, शॉर्ट है. पुट राइटर यानी जो लोग पुट बेचते हैं. पुट बेचने का मतलब है जो तेजी करते हैं या मंदी बेचते हैं. जिन्होंने तेजी कर रखी है 17,300 के पुट पर, वो 2 करोड़ शेयर है अभी अभी इस वक्त. 17,200 तोड़ने के बाद 2,40,00,000 पुट राइटर रिस्क पर है, और 17,100 तोड़ने के बाद 2,65,00,000 पुट राइटर्स हैं. तो ये 2,65,00,000 शेयर जो खड़े हैं पुट राइटिंग में, ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी वजह से ऊपर आए तो हम निकले. सोचो. और मजे की बात दीप क्या है, आमतौर पर पुट राइटिंग होती है ना 200-300 पॉइंट के ऊपर की रेंज की नहीं होती. तो आपके लिए लॉस एक लिमिट में है कि आपने 17,500 पे पुट बेच दिया, 17,400 पे बेच दिया तो ठीक है. 18,000 के पुट राइटर अभी तक खड़े. 18,000 वाले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर 18,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा है 17,000 पे, तो ये इसका तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना फिर. बिल्कुल. इसका क्या एक्सक्यूज है? बिल्कुल सही बात है. राइट. सो प्रॉब्लम वहां है कि कहीं कोई लोग, अगर 18,000 का पुट बेचकर आप 1,000 पॉइंट नुकसान पे निफ्टी में खड़े रहेंगे, फिर चाहे आपका एक ही लॉट हो ना, बैंड तो बजी जाएगी. करेक्ट. सो ये दिक्कत है. सो मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ वो डेटा बहुत ही खतरनाक है. 17,100 के नीचे 2,65,00,000 शेयर पुट राइटर्स ऐसे जो रिस्क पर है. और इसलिए अब जब ऊपर आएगा तो मार्केट में दबाव तो आएगा, रुक रुक कर चलेगा. हाँ, ओवरसोल्ड मार्केट है, 100% है. क्यों है? पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे है. ठीक है, बिल्कुल है. आज सुबह भी हमने कहा कि ओवरसोल्ड के नजदीक है, ओवरसोल्ड नहीं है. और सुबह आज इतने दिनों में अभी तक इस वाले फोन में एक भी बार ये नहीं बोला कि आपको ओवरसोल्ड मार्केटर खरीद ले, क्योंकि आप वो डेटा का उस समय बता भी रहे थे कि एग्जैक्ट पोजीशंस में नहीं है. अब जाकर हुआ है, अब जाकर हो गया, अब जाकर ओवरसोल्ड हुआ है. तो आज की क्लोजिंग पे ओवरसोल्ड होगा ही. ओके. अगर यही डेटा रहते हैं तो 0.65-0.7 के आसपास अब ओवरसोल्ड है. बेचने का नहीं, खरीदने की तो हिम्मत नहीं है. अब नीचे का बता दिया, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद वापस से फ्री फॉल है, जितनी मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला है. तो 17,000 ही आखिर ऊपर कितना आ सकते हैं? 17,300-17,400 की रेंज में डेटा के लिहाज से रुकावट दिख रही, बड़ी रुकावट तो 17,500 पर है. तो जहां 83,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में, तो मुझे नहीं पता ऊपर में कितने फास्ट और कितनी रिकवरी दे सकते हैं. मुझे नीचे का फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है वो 17,000 का है. अगर 3 बजे तक हम 17,000 नहीं तोड़ते हैं तो आपकी क्लोजिंग 17,000 के आसपास हो सकती है. उसको आप अच्छा माने, खराब माने, जो माने, जैसा माने, वो वाली बात है. ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी. 36,650 पर आप हैं. ठीक है, बैंक निफ्टी में भी दिक्कत तो है पुट राइटर्स की, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या नहीं है. अच्छा. हाँ, फॉर अ चेंज दीप, इस बार ना पुट राइटिंग निफ्टी में ज्यादा होगी. बैंक निफ्टी में 37,000 के आसपास आप करीबन 40-50,00,000 शेयर शॉर्ट पुट राइटर्स हैं, लॉन्ग है, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है. 36,500 तोड़ेंगे तो करीबन 60,00,000 के ऊपर आप 65,00,000 के ऊपर पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे. ये बैंक निफ्टी की सिचुएशन है. सो बैंक निफ्टी के लिए अब तुरंत सपोर्ट 36,500 का है. छोटा सपोर्ट है, बड़ा नहीं है, क्योंकि डेटा कम है. ऊपर में 37,000
हल्की फुल्की रुकावट है, उसके पार निकलेंगे तो आप में थोड़ी तेजी का संकेत दिखा है। लेकिन एक डेटा जो बैंक निफ्टी का साफ दिख रहा है वो है कि अब बैंक निफ्टी को 37,400-37,500 पार करने की जल्दबाजी नहीं है। जो इसलिए सपोर्ट जो रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी के लिए 36,500-37,500 दिख रही है, देखते हैं 36,500 होल्ड हो पाता नहीं और यहाँ 17,000 दिख रही है होल्ड हो पाता नहीं, वो देखने वाली बात। ये डेटा है।